कुणाल और अनन्या रिकॉर्ड कर लेना, देखते हैं बच्चे। परम्यूटेशन प्लस प्रोबेबिलिटी मिक्स टॉपिक है, परम्यूटेशन प्लस प्रोबेबिलिटी लेक्चर वन। चलो अब सबसे पहले कुछ चीजें हम नोट करते हैं, याद रखनी है चीजें, वो देखते हैं। मेरे साथ कोई बच्चा बोलेगा आर्यन है, चलो क्या होता है विधि, यस सर, बच्चे डिविजिबिलिटी की कंडीशन देखनी है, बाय टू से डिविजिबल की कंडीशन क्या होती है, इवन डिजिट होनी चाहिए, लास्ट डिजिट नोट करते जाओ, लास्ट डिजिट शुड बी इवन। इसमें कोई डाउट है? नो सर। डिविजिबिलिटी बाय बिलिटी, बिलिटी बाय थ्री क्या कंडीशन होती है? सम थ्री से डिविजिबल होना चाहिए, सम शुड बी डिविजिबल बाय थ्री। चलो मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल था टू से डिविजिबल का 124, लास्ट डिजिट अगर इवन है तो दैट मीन्स इट इज डिविजिबल। अब चेक करना है 1, 2, 3, 4, 5 डिविजिबल है कि नहीं विधि, थ्री से है तो दैट मीन्स कैसे चेक किया आपने, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 दिस इज द कंडीशन फॉर द नंबर टू बी डिविजिबल बाय 5। 15 आया, 15 डिविजिबल बाय 3 से होता है इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, 4 से लास्ट टू डिजिट्स 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, लास्ट टू डिजिट्स। एग्जांपल जैसे अगर मैंने बोला 24 है लास्ट टू डिजिट, 1024 नंबर है तो लास्ट के दो डिजिट्स क्या है, 24 डिविजिबल। अगर मैंने बोला 2032 है तो लास्ट के दो डिजिट जो है वो 32 है तो दैट मीन्स 4 8 32 इट इज डिविजिबल बाय 4। फोर्थ कंडीशन, 5 से डिविजिबिलिटी की क्या कंडीशन होगी, 0 और 5 वन से डिजिट। अच्छा जैसे 1050 है लास्ट डिजिट 0 है या 1055 लास्ट डिजिट क्या है 5, दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो लास्ट डिजिट पे डिपेंडेंट होता है इसमें कि अगर 0 या 5 है तो दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अब जैसे अगर मैं बोलता हूँ 6 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन बताओगे, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। पहले हम क्या करते हैं इसमें ध्यान रखेंगे, फाइंड दोज नंबर्स विच आर इवन या नहीं, विच आर डिविजिबल बाय थ्री, बाय थ्री फ्रॉम दीज फाइंड दोज विच आर इवन। ठीक है, ये कंडीशन लगाएंगे हमेशा, ठीक है, ये होती है 6 से डिविजिबिलिटी की। 7 से कोई होती है, सेवन से दक्ष, लक्ष्य, लक्ष्य बच्चे यूनिट सर, यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके बचे हुए नंबर से माइनस कर देते हैं। एक मिनट मैं आपका लिख रहा हूँ तरीका। 7 से डिविजिबिलिटी की क्या बोल रहे हो, जैसे अगर मेरे को 1027 है क्या करूं सर, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके 102 में से माइनस कर देंगे, 102 में से माइनस कर देंगे। अगर ये जो आया ये डिविजिबल किससे हो गया, 7 से, 7 से अगर ये होगा तो मतलब 1027 भी है,
तो 102 माइनस 14 कितना हुआ? बोलो 88 को 7 से अगर डिविजिबल करके देखते हैं तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरे हिसाब से 7 11 7 12 7 84 नहीं आ रहा, तो दैट मीन द नंबर इज नॉट डिविजिबल. एक और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में. जैसे अगर मैंने बोला 2 1 2 1 3 1, तो इसको कैसे चेक किया आपने? 2 1 3 -7 × 1, ठीक है, 7 × 1 2 × 1, तो ये कितना आ गया? 2 1 1. अब 2 1 1 को चेक करेंगे तो 7 3 21 और आपका 3 0 आ जाएगा, रिमाइंडर इज 1. तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं. बात समझ आ गई 7 से डिविजिबिलिटी की? अच्छा चलो, अब विधि 8 से डिविजिबिलिटी की बोलो. हाँ सर, आपने ऊपर 7 × 2 किया तो नीचे क्या किस मल्टीप्लाई किया? ये आपने काट दिया 1 × 2, 1 × 2, 1 × 2, ठीक है. ये किससे करते हैं, कितने मल्टीप्लाई में, समझ नहीं आया. एक मिनट, जैसे अब क्या, कौन बोल रहा है बच्चे? मुकुल. मुकुल बच्चे देखो, अगर मेरे को 3 2 9 और 2 इसको चेक करना, ठीक है. लास्ट डिजिट क्या है? 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 2 9 में से सब्ट्रैक्ट कर. व्हाट इज द आंसर? 3 2 9 - 4, 3 2 5. सर पर ऊपर तो 7 × 2. अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट डिजिट को. 7 4 28 और 4 आ गया 5, 7 6 42, तो नंबर रिमाइंडर 3 आ रहा है, दैट मींस द नंबर इज नॉट डिविजिबल. ओके सर, कोई डाउट? नहीं सर. चलो विधि, विधि यस सर, विधि आप बोलना. 8 से डिविजिबिलिटी की क्या कंडीशन होती है? लास्ट 3 डिजिट्स होने चाहिए डिविजिबल. 1 2 3 0 0, लास्ट 3 डिजिट्स क्या है यहां पे? 300. अब 8 से डिविजिबल चेक कर लेते हैं 300 को, कितना आएगा? 8 3 24 और ये कितना आया? 6 0. हो रहा है डिविजिबल? नहीं. 8 7 56, दैट मीन द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय, ठीक है. यस सर. अगर मैं बोलता हूँ नंबर होता मेरा 13008, तो नंबर डिविजिबल होता, हाँ या ना? यस सर. क्यों? 008 को अगर 8 से डिविजिबल करते हैं तो हमारा नंबर आएगा रिमाइंडर 0. बात समझ आ गई? यस सर. अच्छा, अब 9 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन बताओगे? सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए डिजिट्स का. बिल्कुल, सम शुड, जैसे अगर मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5 3, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट, चेक करो, बताओ कैसे बताओगे? 18 आ रहा है सम, तो डिविजिबल है, तो ये 9 से डिविजिबल है. बात समझ आ गई? यस सर. अच्छा, अब 10 से डिविजिबिलिटी की क्या कंडीशन होगी? लास्ट में 0 वन डिजिट पे, लास्ट में लास्ट डिजिट शुड बी 0 और शुड बी 0, है ना? यस सर. अच्छा, आप मेरे को एक चीज बताओ कि 11 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है? अल्टरनेट डिजिट्स का सम को सबट्रैक्ट कर देते हैं, फिर 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए. जैसे 1 2 3 4 5, अब इसका प्लस इसका प्लस इसका सम कितना आया? 1 + 3 + 5, 9 -2 + 4 कितना आया? 3 आ गया. दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11, हेंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल, ठीक है. यस सर. जैसे अगर मैं बोलता हूँ 10505, ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है? 1 + 5 + 5 - 0 + 0, 11 आ गया, तो दैट मीन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11. कोई डाउट? नो सर. ठीक है, हम मोस्ट प्रोबेबली 1 to 11 तक के क्वेश्चन देखेंगे कि कौन से डिविजिबल है कौन से डिविजिबल नहीं है. ये बात समझ आ गई है सबको? कोई डाउट तो नहीं?
चलो अब ये क्या होता है कुणाल। यस सर। कुणाल अब हमें एक क्वेश्चन करना है जिसमें है 1, 2, 3, 4 और 5 फाइव डिजिट नंबर बनाने। कितने? फाइव डिजिट नंबर बनाने हैं जो कि डिविजिबल होने चाहिए टू से, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, सॉरी विदाउट रिपीटेशन। बात समझ आ गई? Yes, टू से डिविजिबल, फाइव डिजिट नंबर बनाना। बताओ जल्दी से चॉइस। लास्ट डिजिट फिक्स करने में ओनली, उसमें हम ओनली टू और फोर। हाँ, लास्ट डिजिट फिक्स क्या हो गया? टू और फोर। कितनी चॉइस? ओनली टू। और फिर इसके लिए कितनी चॉइस? सर इसके लिए फिर हो जाएगी 4, 3, 2, 1। तो ये कितना 24 to 40। यस सही है। यस। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन जो था 3 से डिविजिबल, बोलो सर इसके लिए हमें सम करके देखना पड़ेगा इन सबका। हाँ आ रहा है तो सर। सम कितना आ रहा है इन सबका? इन सबका क्या आ रहा है? 15 आ रहा है सर, डिविजिबल है तो हम कैसे भी रख सकते हैं। कैसे भी रख सकते हैं, इसका मतलब कैसे भी अरेंज कर दो। 5 फैक्टोरियल तो क्या रख दूं जल्दी बताओ? 5, 4, 3, 2, 1 दैट इज 120 ऑल नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 3। कोई डाउट? नो सर। चलो अब हमारा 4 से, बोलो 4 से डिविजिबल। सर लास्ट टू डिजिट करनी पड़ेंगी हमें। लास्ट टू डिजिट डिसाइड करना। अब देखते हैं, मैंने बोला लास्ट टू डिजिट्स डिसाइड करना, तो सबसे छोटे लास्ट टू डिजिट क्या बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 में से जो डिविजिबल हो? 12 बन रहा है। यस सर। यानी लास्ट के दो डिजिट 12 रख दो। 12 के बाद 16 है इसमें? नो सर। 16 के बाद 20 नहीं है, 24। यस सर। 24 के बाद जल्दी बोलो 32 के बाद बोलो नहीं। 32 के बाद 36 नहीं है, 40 नहीं है, 44 नहीं हो सकता, रिपीटिशन हो गई, 48 नहीं है, 48 के बाद आपका 52 के बाद 54 नहीं है, बस ये चार बने। ये बात समझ आ गई? यस सर। आप बताओ जल्दी से 20 भी तो ये चार केसेस हैं क्या बचे? 0 नहीं है ना। 20 नहीं होगा सर, 4, 5। चलो ये नहीं है इसमें हमारा 4, 5 बचे, 4 से डिविजिबल होगा 45। नहीं 4 × 5। अच्छा ओके सर, ओके सर, सॉरी सर। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं इसके लिए, तो लास्ट के लिए एक एक चॉइस हो गई। अगर 1, 2 फिक्स कर दिया, एक एक चॉइस बची, 3 चॉइस 3, 2, 1 यानी 6 नंबर्स बनेंगे इससे। हर एक का 6 ही केसेस बनेंगे, इसके भी और इसके भी। 24 तो टोटल कितने हो गए? 6 × 4 दैट इज 24। बात समझ आ गई? यस सर। आप जल्दी से बोलो बच्चे, हमारे को बनाने हैं 5 से डिविजिबल। सर लास्ट में ओनली 5 ही आ सकता है, तो लास्ट के ओनली 1 चॉइस। लास्ट में ओनली 5 ही आ सकता है, एक चॉइस। यस सर। 4, 3, 2 और बाकी 4, 3, 2, 1 तो आंसर कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल। ठीक है। यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है बच्चे। अब मैंने बोला कि हमारा जो आना चाहिए डिविजिबल किससे आना चाहिए? 6 से। 6 से। किससे डिविजिबल आना चाहिए? 6 से। क्या करूं बच्चे, मैंने क्या बोला था? पहले इसमें और देखनी पड़ती है। 3 से डिविजिबल वाले सारे निकालो। 3 से डिविजिबल वाले कितने हैं? एक ही ओनली। क्या? एक है सर। कोई भी नंबर बनेगा 1, 2, 3, 5 के कॉम्बिनेशन से वो 3 से डिविजिबल होगा, हाँ या ना? ओके सर। यस सर। और इसमें से जो नंबर्स बनेंगे जो इवन होंगे, इवन ओनली, ठीक है, दैट विल बी डिविजिबल बाय 6। ठीक है ना? सो मतलब इससे जितने भी नंबर्स बनेंगे वो सारे 3 से डिविजिबल होंगे, उनमें से जो नंबर्स निकालने हैं वो इवन होने चाहिए। इवन के लिए क्या हो गया? इसके लिए 2 चॉइस, इसके लिए 4, 3, 2, 1। तो 48 to 96 आ गया, नहीं 24 to 48। 48 नंबर्स आर देयर व्हिच आर डिविजिबल बाय 6। डाउट तो नहीं है? नो सर। बच्चे हम 7 से केसेस नहीं बना सकते, इसलिए केस नहीं बना रहे। अब हम चेक करते हैं 8 से।
एट से करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। एट से लास्ट डिजिट्स क्या होने चाहिए जल्दी बताओ कुणाल। सर थ्री डिजिट लेते हैं। हाँ तो थ्री डिजिट लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसके भी केसेस ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं? Yes. देखो चलो बनाते हैं, एक रख देते हैं 124 होगा, नहीं इसके केसेस ज्यादा बनेंगे, अभी छोड़ देते हैं 6 तक रखते हैं, ठीक है बाद में देखेंगे कैसे कर। ये बात क्लियर हो गई है? Yes, sir. हो गई है। ठीक है 1 2 3 4 5 कितने नंबर्स बनेंगे जो 2 से 6 तक डिविजिबल है। अब स्पेसिफिक क्वेश्चंस करेंगे हम जो 11 पे और इस पे, मगर उससे पहले एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कैसे करेंगे। अब ये चीज देखते, लेट सपोज अगर हमारा नंबर जो है वो है डिजिट्स है 0 1 2 3 4 और 5, इससे बनाने हमारे को नंबर जो कि डिविजिबल हो 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से। कैसे करेंगे वो चीज एक बार ढंग से समझते हैं कि हाउ वी विल डू इट। देखो बच्चे अब जो नंबर्स बनने हैं वो 5 डिजिट होने चाहिए। अब मैं एक एक करके पूछूंगा। सम्यक। यस सर। 5 डिजिट नंबर दैट शुड बी डिविजिबल बाय 2, बताओगे बच्चे? यस सर। सर लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? सर टू चॉइसेस। लास्ट डिजिट के कितने के सर? टू चॉइसेस सर। सॉरी कौन कौन सी? जीरो कौन कौन सी? 0, 2 और 4 आप पुट करो। चलो ठीक मान ली। अब बताओ इसके लिए कितनी चॉइस है? सर 4। कौन कौन सी? सर 1 तो लास्ट के लिए चली गई और 0 नहीं आएगी तो सर 4 बची। बच्चे क्या पता 0 यहाँ पे आ गई हो। मानते हो? यस सर। आपने जो बोला अभी यहाँ के 3 चॉइसेस है वो गलत है। कैसे करेंगे हम इसे? दो तरीके बनाएंगे इसे। लास्ट में 2 और 4 फिक्स कर दो और एक बार। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। डिजिट 6 और 5 डिजिट नंबर बनाना है तो जो फर्स्ट डिजिट होगी उस पे तो सर कोई भी आ सकते हैं फिर। बच्चे कोई भी आ सकता है, 0 नहीं आ सकता ना सर। 6 डिजिट नंबर है ना और 5 डिजिट है तो 0 भी तो आ सकता है वहां पे। बच्चे 6 नंबर्स मेरे पास डिजिट्स अवेलेबल है, इनसे मेरे को 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। अच्छा, कितने बन सकते हैं वो चीज सोचेंगे ना। यस सर समझ। चलो अब लास्ट में अगर 2 और 4 रख देते हैं। सम्यक। यस सर। लास्ट में 2 और 4 रख देते हैं तो क्या होगा? इसके लिए 2 चॉइस हो गई। यस सर। आप इसके लिए कितनी चॉइस हो गई फर्स्ट के लिए? सर 4। क्या क्या नहीं आ सकता? 0 नहीं आ सकता या 2 या 4 में से एक नहीं आ सकता। yes, तो sir. कितनी चॉइस हो गई जल्दी बताओ? कितनी हो गई? सर 4। और उसके बाद आप इसके लिए? सर 4। 4 क्यों? सर 0 भी आ सकता है। अब 0 भी आ सकता है। ए, दो नंबर हट गए 4 3। yes. 2 ये 24 into 8 144 हुआ शायद। नहीं 24 4 12 12 24 24 48 48 4 192। यस सर। चलो अब 0 अगर आता है यहाँ पे एक चॉइस हो गई। यस सर। इसके लिए कितनी चॉइस हुई? सर 4। नहीं सॉरी 5। और 5 कौन कौन सी? सर कोई भी आ सकता है। यस सर। 120 120 प्लस 192 आंसर आ जाएगा। यस सर। 312। कोई डाउट है 2 से डिविजिबिलिटी वाला? सर नो। ठीक है कोई डाउट? yes, तो नहीं है। चलो अब दूसरा कौन बोलना चाहता है 3 से डिविजिबल वाला? सर मुकुल। कोई बोलना चाहता है? मुकुल बोलो।
0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 digit number that should be divisible by? 3. So, something ka 15 hai, tum kaise bhi arrange kar sakte hain. To sabse pehle to 5 aayenge. Ek minute bache. इससे बनाने ना हमने 5 डिजिट नंबर. हाँ. अच्छा इससे आप बोल रहे हो कि सम तो हमेशा 15 रहेगा बच्चे. लेट सपोज ये वाले डिजिट्स रहे उसमें, इसका सम कितना है? 4, 5, 6, 7, 8. सर इसका तो 10. नहीं होगा ना अब ना. तो 6 में से 5 नंबर्स चूज करने के तरीके होते हैं 65. हाँ कि नहीं? यस सर. अब मैं नंबर्स बना रहा हूँ 0, 1, 2, 3, 4. ये सिलेक्शन हो सकता है? यस सर. ये भी सिलेक्शन हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 0. 3, 4, 5, 0, 1, 4, 5, 0, 1, 2. क्या बच्चे बोलो? सर जीरो तो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता ना. वो मैंने नंबर नहीं, मैंने सिलेक्शन किया. अभी मैंने सिलेक्शन किया है, मैं इसके नंबर्स बनाऊंगा बाद. मैं ये देख रहा हूँ कौन से 5 डिजिट ले सकता हूँ, कौन से 5 डिजिट ले सकता हूँ. मुकुल. यस सर. अब ये वाले 5 डिजिट ले सकता हूँ हाँ या ना? इनका सम कितना आ रहा है? ये सर ये नहीं ले सकते, इनका 10 आ रहा है. नहीं. अब इसको ले सकता हूँ? यस सर 15 आ रहा है. बिल्कुल ठीक. इसका इसको ले सकता हूँ? सर 14 आ रहा है. नहीं ले सकते. इसको ले सकता हूँ? 13 आ रहा है. इसको ले सकता हूँ? 12 आ रहा है. ले सकते हैं सर. इसको ले सकता हूँ? 10 आ रहा है. यानी दो केसेस हो गए आपके. या तो डिजिट्स रहने चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, या आपके डिजिट्स रहने चाहिए 0, 1, 2, 4, 5. बात समझ आ गई? Yes, अब इनसे जितने भी नंबर्स बनेंगे वो 3 से डिविजिबल होंगे. इससे yes, भी जितने नंबर्स बनेंगे वो किससे डिविजिबल होंगे? 3 से डिविजिबल होंगे. अच्छा अब इससे कितने 5 डिजिट नंबर बन सकते हैं? So, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 9, 1, 10. आप इससे कितने बन सकते हैं वो चीज देख लेते हैं. तो पहले इसके लिए सबसे पहले 0 आ सकता है इसमें? नहीं सर. तो चार चॉइस, 4, 3, 2, 1. सर उस हाँ ठीक है. यस सर. और प्लस तो 120 प्लस 96 दैट विल बी 216. कोई डाउट है इसमें? नो सर. निर्मित बच्चे बात क्लियर हो गई जो आप डाउट पूछ रहे थे? यस सर. चलो अब नेक्स्ट कौन बोलना चाहता है 3 के अलावा 4 से? सर प्रथम. प्रथम बोलो. 1, 2, 3, 4, 5 और 0 था. 4 से डिविजिबल क्या करूं? सर पहले सिलेक्शन कर लेंगे 1, 2. अच्छा एक मिनट बच्चे, 5 डिजिट नंबर बनाना है, लास्ट डिजिट के सिलेक्शन कर लेते हैं. चलो 1, 2 की जगह 0, 4 ना करूं? 0, 4. यस सर. 0, 4 के बाद 0, 8 है नहीं. उसके बाद 1, 2, 1, 2. उसके बाद 16 भी नहीं है. 2, 0. 2, 0. 2, 0 के बाद 2, 4. 2, 4 के बाद 3, 2. 3, 2 के बाद 4, 0. 4, 0 के बाद 5, 2. 5, 2 के बाद सर अब कोई नहीं है. वेरी गुड. अब मेरे को जल्दी से बताओगे इनके इस जो जीरो लास्ट में आ गया कितने केसेस हैं जीरो वाले? 3 लास्ट में जो आ जाता है जीरो. 3 केसेस. इनको अलग कर देते हैं, इनको अलग कर देते. 3 है ना बच्चे? 2, 0, 4, 0. 0, 4. इन तीनों को लेके चलो. लास्ट के दो डिजिट्स में 0 आ गया. लास्ट के दो डिजिट में 0 आ गया ये बोलना. Okay, 4 केसेस है जिसमें ये चीज आ रही है 1, 2. अब 1, 2 वाला आंसर देख लेते हैं. 1, 2 वाले में आंसर क्या है? इसके लिए एक चॉइस, इसके लिए एक चॉइस. बात समझ आ गई? यस.
आगे थ्री इसके लिए तीन चॉइस, तीन तीन दो शायद, हाँ कि नहीं? यस सर। थ्री थ्री 99 टू द 18, यानी 18 किस किस के आंसर होंगे? इसका आंसर 18 होगा, इसका आंसर 18 होगा, इसका आंसर 18 होगा, और 1 2 का 18, 18 into 4 कितना हो गया? 72 केस, सही है? 72 केस, यस सर, यस सर। अच्छा आप 04 अगर रख देते हैं, 04 अगर रख देते हैं, इसके लिए एक एक, इसके लिए 4 3 2, ये बात समझ आ रही है? यस सर। ये हो गया 24, 24 वाले केसेस कितने हैं? 72 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
कोई भी तो सम्यक, सम्यक बोलो। चलो 0 1 2 3 4 5 है लास्ट, 5 से डिविजिबल, क्या करूं 5 से लास्ट डिजिट क्या करूं, क्या लास्ट डिजिट शुड बी 0 और बिल्कुल five. बिल्कुल मुझे। चलो अब ये देखते हैं, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। बोलो बच्चे लास्ट डिजिट को अगर 5 रख देते हैं, लेट सपोज 5 रख दिया, तो उसके लिए कितने केसेस बने? यस 4 4 3 2, तो ये कितना हो गया 4 12 12 24 24 4 96। कोई डाउट? नो सर। अब अगर 0 रख देते हो तो क्या आएगा, 0 रख देते हो यहां पे तो क्या आएगा, एक चॉइस। यस सर 5 4 3 2 सही है। यस सर। सर हम 0 वाले केसेस हर बार अलग लेते हैं जिसमें आखिरी में 0 आ रहा होता है। हां 0 बिल्कुल बच्चे, केसेस अलग करके ही चलोगे तभी आंसर करेक्ट आएगा, नहीं तो दिक्कत आती है, आपको चॉइस नहीं पता लगेगी कि किसी डिजिट के लिए क्या चॉइस है। चलो अब नेक्स्ट कौन बोलेगा 6 से डिविजिबल वाला? सर मैं। आर्यन तुम बोलोगे? यस सर। आर्यन बताओ जल्दी, 0 1 2 3 4 5। आप सर, पहले तो सबसे पहले क्या करना था सर, जो 3 से डिविजिबल होंगे वो कर लेंगे कैलकुलेट, हमने पहले किए थे। तो हमने पहले केसेस निकाल चुके हैं, 1 2 3 4 5 वाला केस एक निकाल चुके थे और एक निकाल चुके हैं 1 2 0 4 5, यही दो केसेस बन रहे थे ना। यस सर। तो ये तो 3 से डिविजिबल, ये तो 3 से डिविजिबल है, ये बात समझ आ गई? यस सर। अब इनमें वो वाले नंबर फाइंड आउट करने हैं जो से डिविजिबल है 2 से। तो इसके लिए कितनी चॉइस हो गई जल्दी बता सर? 2। इसके लिए 4, 3 2, 48 हो गया। यस सर। अब इसके लिए लास्ट डिजिट अगर हमारा क्या, दो केसेस बनाएंगे, लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकता है? 2 और 4। 2 4, तो 2 चॉइस, और इसके लिए कितनी चॉइस? 3 3 2 1 सही है। यस सर। 3 3 9 9 to the 18 18 to the 36। अब लास्ट डिजिट 0 फिक्स कर दो, 0 होगी लास्ट डिजिट। अगर 0 डाल दिया तो कितनी हो गई? 1। 4 into 3 into 2 4 3 2 1। यस 36 + 24 + 48 टोटल केसेस। कोई डाउट है? नो सर। ये बात समझ आ गई 6 से डिविजिबिलिटी तक की? यस सर। चलो मेरे हिसाब से 6 से डिविजिबल तक की कंडीशन सबको क्लियर है, मैंने 0 वाला केस ले लिया, कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी और? ठीक है, आप एक टाइप के और लेंगे, वो चीज और देखते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस अलग हैं। जैसे अगर मैंने बोला बच्चे एक बार निर्मित। यस सर। 1 2 3 4 इससे कितने, नहीं 1 2 3 इससे कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं जल्दी बता सर? विद रिपीटेशन और विदाउट? विदाउट रिपीटेशन सर। 3 into 2 into 1 6 नंबर्स बन सकते हैं, मैं नंबर बना रहा हूँ।
123, 132, 213, 231, 312, 321. इसमें कोई डाउट है निर्मित? नो सर. निर्मित एक पैटर्न देख इसमें कि लास्ट में थ्री कितनी बार आ रहा है. लास्ट में थ्री कितनी बार आ रहा है सर? और टू और वन सर? टू सर. टू. और बीच वाले में देख टू कितनी बार आ रहा है सर? टू. और थ्री और वन टू टू टाइम्स है. हर जगह यही है? यस सर. हर जगह यही है कि नहीं? यस सर. अच्छा यूनिट प्लेस डिजिट का सम कितना आ रहा है? मैं ऐसे लिख दो टू इंटू वन प्लस टू प्लस थ्री. यूनिट प्लेस डिजिट का सम सर? डिजिट का सम सर आ रहा है 12. 12 आ रहा है ना? यही लिखा है ना मैं 2 into 6 that is 12. ठीक है, 12 का 2 कैरी हुआ और 1 यहाँ गया. yes, फिर 12 प्लस 1 13 आया. 13 का 1 यहाँ पे कैरी हुआ, फिर 12 आ गया, 13 हो गया. ये आ गया इसका सम. कोई डाउट है? नो सर. कोई डाउट है? अब इसको मैं दूसरे तरीके से करता हूँ. 12 इंटू 1 प्लस 12 इंटू यूनिट प्लेस डिजिट का सम 12 है, टेंस प्लेस का भी 12 है और 100 प्लेस का भी 12 है. ये बात समझ आ गई? ओके सर. तो ये कितना आया? 12 इंटू 111. अगर आप ये चेक करोगे आंसर आएगा 1332. बात समझ आ गई? कैलकुलेशन कैसे की है? ओके सर. ओके सर. ये तरीका सबको क्लियर है? आर्यन बच्चे क्लियर है? यस सर. चलो आर्यन अब तुम बोलो. यस सर. आर्यन 1 2 3 4 5 इससे कितने आपके फोर डिजिट नंबर बनेंगे? सही है. yes, उन सबका सम निकाल. उन सबका क्या निकालना है? सम. सम निकाल. क्वेश्चन समझ आ गया है? यस सर. चलो अब जल्दी से बोलो कि हमारे फोर डिजिट नंबर कितने बनेंगे? 5 × 4 × 3 × 2 = 120 नंबर्स बनेंगे इससे. कोई डाउट? नो सर. अब मेरे को जल्दी से आर्यन बताएगा, यहाँ पे मैं 5 को फिक्स कर रहा हूँ. किसको फिक्स कर रहा हूँ? 5 को. तो कितनी चॉइस हो गई इसकी? 4 × 3 × 2 × 1. तो 4 × 3 × 2 यानी 24 ऐसे नंबर्स होंगे जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 5. अच्छा सर, अगर मैं 4 को फिक्स करता हूँ, 4 को फिक्स करता हूँ तब भी आपके कितने आएंगे? 4 3 2 1 1. 24 ऐसे नंबर्स होंगे जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा सर? 4. और 24 ऐसे नंबर होंगे जिनका लास्ट डिजिट क्या होगा? 3, 2 और 1. ये बात समझ आ गए? यस सर. अगर मेरे को 24 बार किसको ऐड करना है यूनिट प्लेस का सम निकालने के लिए? 5 को ऐड करना है, 24 बार 4 को ऐड करना है, 24 बार 3 को ऐड करना है, 24 बार 2 को ऐड करना है, 24 बार 1 को ऐड करना है. 24 × 5 + 4 + 3 + 2 + 1. यस सर. यही सही है. Yes, sir. 15 × 24 कितना होता है? 360. सही है. Yes, sir. ये किसका सम आया? यूनिट प्लेस डिजिट का आया. सही है. यही टेंस प्लेस का भी होगा. Yes, sir. और यही हंड्रेड्स का भी होगा. यही एंड और थाउजेंड का. तो मैं एक चीज करूँ, 360 × 1 + 360 × 10 + 360 × 100 + 360 × 1000 × 1000 + 360 × 10000. नहीं बस ठीक है सर, बस इतना ही होगा. ये समझ आ गया? यस सर. और या तो इसको ऐसे लिखते हो 360 × 1111 कॉमन लेके देख लो, ये आ जाएगा. बात समझ आ गई आर्यन? यस सर. चलो फोर टाइम्स वन आएगा ना? हाँ फोर टाइम्स वन आएगा. मैंने फोर टाइम्स ही लिखा ना. यस सर. ओके सर. सम्यक. यस सर. सम्यक अब आपने बोलना. okay, अब बोलो 0 1 2 3 4 इससे कितने फाइव डिजिट नंबर बनेंगे?
उन सबका सम निकाल, फोर डिजिट नंबर बनेंगे, फाइव डिजिट नहीं फोर डिजिट करो, उन सबका सम निकाल, फोर डिजिट और उन सबका सम निकालना। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो बोलो, अब मैंने लास्ट में फोर डिजिट रखना था ना, सॉरी फोर रख देता हूँ, तो कितने नंबर्स बनेंगे लास्ट में अगर फोर आता है तो? सर थ्री टू वन। बच्चे थ्री थ्री टू वन, यस सर सॉरी थ्री थ्री टू वन, ठीक है। नाइन टू द एटीन, एटीन ऐसे नंबर्स होंगे जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा? फोर होगा। सर फोर, थ्री भी कितना होगा? एटीन। टू, टू भी कितना होगा? एटीन। टू भी एटीन होगा, और वन कितना होगा? सर वो भी एटीन ही होगा। और अब जीरो के लिए अलग कर बताओ जल्दी। जीरो के लिए एक चॉइस, चार तीन दो, ये आ गया चौबीस। लास्ट में जीरो कितनी बार आएगा? ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ, जल्दी से बताना, यूनिट प्लेस का सम कितना आया? 18, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 24 इंटू 0, ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, ये समझ आ गया यूनिट प्लेस का। अच्छा टेंथ प्लेस का सम बता दो जल्दी से, कितना आएगा टेंथ प्लेस का सम? So, वो भी इतना ही आएगा? नहीं, एक बार देखते हैं, ये 180 टेंस यूनिट प्लेस का 180 आएगा, टेंस प्लेस का भी 180 आएगा, बिल्कुल ठीक है, 100 प्लेस का भी 180 आएगा, बस 1000 प्लेस का कुछ और आएगा। 1000 प्लेस के लिए जीरो आ सकता है कभी? नो सर। 1000 प्लेस में जीरो आ सकता है कभी? तो इसलिए अब 1000 प्लेस के लिए अगर वन रखता हूँ तो कितनी चॉइस हो गई? फोर थ्री एंड टू। चौबीस बार आपका वन आएगा, चौबीस बार टू आएगा, चौबीस बार थ्री आएगा, चौबीस बार फोर आएगा। यस सर। तो 24 इंटू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, तो दैट इज 240। तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा 24 इंटू 240 इंटू 1000। ये बात समझ आ गई? सर एक बार दोबारा बता दो ये वाला। ये कहाँ से नहीं समझ आया सर? ये लास्ट वाला बच्चे। अच्छा लास्ट वाला, मैंने इसमें जब भी जीरो आ जाएगा ना तो डिफरेंस खाली आएगा फर्स्ट डिजिट में और यूनिट ये जो